नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। आप सभी दर्शकों को राधा स्वामी। बाबा जी के हुकुम में रहेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक बार एक सत्संगी समर्पित सेवादार था जिसने अपार प्रेम से सेवा की, जिससे बाबा जी बहुत ही प्रसन्न हुए। हालांकि एक दिन बाबा जी ने सुझाव दिया कि सेवादार अपनी बाहरी सेवा के अलावा भजन सुमिरन भी करना चाहिए। सत्संगी ने बाबा जी को उत्तर देते हुए कहा कि उनका भजन करने में मन नहीं लगता। बाबा जी ने कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम्हारा मन भी भजन सिमरन में लगेगा। बस सुबह तुम्हें 3 बजे उठ जाना है और टाट या दरी बिछाकर जमीन पर बैठ जाओ। 5 मिनट तक भजन करने के बाद आप वापस सो सकते हैं। सत्संगी ने कहा, ये तो बहुत ही सरल कार्य है और वह इसे प्रतिदिन करने का इरादा रखता है। उसके बाद उनकी दिनचर्या में सुबह 3 बजे उठना और 5 मिनट का भजन सिमरन करना और फिर से सो जाना शामिल हो गया। फिर एक दिन सेवादार ने विचार करना शुरू किया और महसूस किया कि वह रोज सुबह 3 बजे उठता है और केवल 5 मिनट भजन करने के बाद वह फिर से सो जाता है। इसके बाद सेवादार ने धीरे धीरे अपने भजन सिमरन की अवधि बढ़ानी शुरू की। सदगुरु की आज्ञा का पालन करने के फलस्वरूप उसका मन धीरे धीरे भजन सिमरन में लग गया। आखिरकार उन्होंने 2.5 घंटे से अधिक समय तक भजन सिमरन करना शुरू किया। इसी तरह अगर हम सदगुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारा भी मन भजन जप में लग जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम खुद को तो सत्संगी समझते हैं मगर बाबा जी के आदेश का पालन नहीं करते। हमारा मन भजन सिमरन में लगे या ना लगे, चाहे वह 10 मिनट हो या 20 मिनट हो, हमें बिन नागा भजन सिमरन करना है। इसे एक आदेश या कर्तव्य समझकर चुपचाप बैठ जाना चाहिए और करना चाहिए। ये निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि क्या हम वास्तव में एक सत्संगी के गुणों को धारण करते हैं। चलो आज हम एक प्रण लेते हैं। अगर हम सत्संगी बनना चाहते हैं तो हमें जितना भी समय हो सके, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा या 2 घंटे के लिए रोजाना बिन नागा भजन सिमरन करना है। हमें भी सतगुरु के निर्देशों का पालन करना है। अगर आपको ये साखी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए राधा स्वामी जी।